मैंने आज बुलाया है अदील हुसैन को। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह लोग समझते हैं कि वो डिफ़िकल्ट हैं, वो चुप रहते हैं, वो बात नहीं करते, क्या वाकई वो चुप रहते हैं, बात नहीं करते, डिफ़िकल्ट हैं? आइए देखते हैं कितने डिफ़िकल्ट। अदील, थैंक यू। नो, थैंक यू। शुक्र है तुम सुबह सुबह आ गए। कितनी सुबह जागना पड़ा यहाँ आने के लिए? मैं जाग गया था 5:30 बजे। मैंने करीम प्री ऑर्डर की थी, मुझे एयरपोर्ट बहुत जल्दी जाने का शौक है। क्यों? फ्लाइट वाज एट 10 एट 8। क्यों, ये हमेशा से है? हमेशा से है। आई मीन आई एम नॉट अ नर्वस ट्रैवलर, बट आई एम आई लाइक टू हैव माय ट्रैवल सॉर्टेड, यू नो। बस पहले पहुंच गए, टायर फ्लैट की जगह होनी चाहिए, कोई स्कूल, मतलब आई डोंट, एयरपोर्ट इज वन ऑफ दोस प्लेसेस। ये सिर्फ एयरपोर्ट के बारे में नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट के बारे में, सारी जिंदगी ऐसी ही है? नहीं नहीं, अदरवाइज आई एम पंक्चुअल। अच्छा। बट व्हेन इट्स द एयरपोर्ट आई थिंक आई डोंट वांट टू, आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, सो आई डोंट वांट टू कैरी दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेस के वो जो एकदम से कभी कभी हो जाता है ना, कि अरे पहुंचेंगे या नहीं, फ्लाइट होगी। आई डोंट लाइक अननेसेसरी एंग्जाइटी इन योर लाइफ व्हेन यू कैन। वैसे भी इशारा फैसिलिटी अनप्रेडिक्टेबल है ना, कराची ट्रैफिक इज अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो वहां क्या हो जाए। एग्जैक्टली। प्लस मुझे मोटरसाइकिल चलाने की इतनी आदत हो गई 6 साल में कि मेरी गाड़ी से डिस्टेंस मतलब प्रिडिक्ट करना काफ़ी ख़राब। आई हैव हैड अ बाइक, आई स्टिल हैव अ बाइक, बट इट्स जस्ट अ YBR यामाहा, नोबडी इज पेइंग मी टू कॉल दैट, नाउ जस्ट किडिंग। या इट्स अ नाइस यामाहा। आई गॉट यूज्ड टू इट एट सम पॉइंट इन कराची, जब ज़रा फेम बढ़ रही थी, लोग ज़्यादा पहचान रहे थे, तो मैंने हेलमेट पहन ली। तो मैंने सोचा कि हेलमेट तो वैसे ही पहननी चाहिए थी, चाहे फेमस हो या ना। वैसे ही पहननी चाहिए थी, बट उससे फायदा भी हुआ कि जरा आई जस्ट चिल्ड आउट, बिकॉज यू नो इट हैपेंड प्रीटी फास्ट, एवरीबॉडी डील्स विद इट इन अ डिफरेंट वे। कराची इज बिन माय सिटी ऑल माय लाइफ। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ा अजीब था कि एक बंदा पहले रिक्शों में सदर जा रहा है बचपन में, फिर बाद में हर जगह घूम रहा है, बोर्ड बेसिन जा रहा है, ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दैट अमाउंट ऑफ रिकॉग्निशन स्टार्टेड हैपनिंग, सो आई रियली फाउंड अ लॉट ऑफ कम्फर्ट ऑन द मोटरसाइकिल। एंड देन आई डिस्कवर्ड दैट यू गेट You go everywhere really fast. And then people also scared of you on the road, which is an added bonus. Sorry, I don't mean to. Yeah, that's not a good reason. Because the motorbikers, never ride on the side that is given to you. So here's my point. Hai na? Haan, you're right. Why do you have to be on the right? Why do you have to do this? तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ बड़ा अजीब, मैं रोज उफ करती हूँ, पता है? नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ अब माशाल्लाह गाड़ी में भी सफर करता हूँ। The motorbikers have started wearing helmet. Helmet बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और दोनों के लिए जरूरी है, जो राइड कर रहा है वो भी और जो पीछे बैठ रहा है वो भी। हाँ, मैं एक दफा सदर गया था, मैंने कहा था मुझे एक हेलमेट चाहिए, मैं कहता बॉस आपकी छोटी है, मैंने कहा मेरी दोस्त के लिए है। आई वाज वन ऑफ माय एक्ट्रेस फ्रेंड्स एंड अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, फैमिली फ्रेंड, she's a girl. तो किस किस को लेकर गए अपनी बाइक पर? मैं लेके गया हूँ कुछ लोगों को। हाँ हाँ हाँ, it was a thing. I tried to do it for a while. Then all the other male actors started copying it, so I left it. अच्छा। So anything you को copy कर ले या छोड़ देते हो उसे? नहीं नहीं, लेकिन motorcycle मैंने you know, the Karachi traffic like I said really changed. I got my bike in 2011. So literally the cars on the road have increased. I don't know, this will seem like I'm representing the traffic, but I feel very strongly about it. So kis pe shift hue bike se? Sports car li? Nahi, bas achhi gaadi li. Achhi gaadi li. Chalo thoda sa bachpan ki taraf jaate hain. Chale, hai na? Chale. Abhi tha 2 ghante pehle bachpan. Really? क्या देखा था लाहौर में जो नॉस्टैल्जिक था? बड़ा बड़ा हाई स्पीड टूर लिया हमने, कुछ कुल्फे उल्फे खाए हमने, ओल्ड वी वेंट टू ओल्ड लाहौर, ओल्ड द ओल्ड सिटी। हुआ है अंदरून शहर से? मैं बादशाह की मस्जिद से अभी दौड़ लगा के आ गया हूँ। यू हैव डन दैट? आई हैव डन दिस। शाही हमाम भी किया? नहीं, वहाँ नहीं गए। नहीं, अच्छा, जस्ट द मेन फोर्ट एंड जस्ट रन अराउंड। हाँ, आई थिंक दैट्स, आई लव सीइंग न्यू प्लेसेस। सो क्या याद लाहौर से, क्या वाबस्ता यादें? बहुत पहले आया था, और बीच में अगर छोटी एक दो ट्रिप्स लगी थी तो वो बिल्कुल वो काम वाली थी, लेकिन एक्टिंग वाली जब होती हैं तो there was more on my mind। पैदा कहाँ हुए थे? कराची। कितने बहन भाई हैं? One brother। बहन नहीं है? नहीं, सिर्फ दो भाई। और वो क्या करता है? वो भी, he's a videographer, माशाल्लाह, he's gonna be a director soon, my brother। ओह, तो वो बड़ा है, छोटा है? छोटा है, 8 साल छोटा। So,
You are the elder. I'm the elder one. Achha. So, zimmedar ho ya laubali ho, shararti ho? Sab kuch ho. Yehi mera masla hai. Yehi mera masla hai. Sab mein kya murad hai? Matlab zimmedar bhi hoon, but badmashiyan bhi thodi ki hain. I don't know. Badmashiyan abhi bhi ki karte ho ya pehle? Nahi, nahi. I mean, badmashi is a hard word. No, I mean, I always found it very hard to categorize. I wasn't. We've had a strange life. I don't know kahan se. Bada, I'm very intrigued ki aap kaise pahunchenge. Wahan, nahi, wahan se shuru karo na. Jaise pehli memory insaan ki hoti hai. Kya yaad hai? Kaisa ghar tha? Maa-baap kaise? Bhai, maa-baap zabardast, mashallah. First memory, my father was a captain in the merchant navy. Oh. Okay. So, hamara childhood bahut magical tha. Sahi hai. Mera bhai mujhse 8 saal chota hai. So, my parents really waited. So I have a lot of room to grow and experiment and be and you know absorb. hog the attention. Yeah, though I was a bit of a zen baby. जब बचपन की तस्वीरें काफी वो अच्छा मतलब मस्त मम्मी कहती थी किसी की भी गोद में चले जाते थे मैंने कहा शायद ये बदला नहीं I was a happy child and an engaged child and so my father was a captain in the merchant navy did you travel with him I traveled a lot with him so childhood was magical I would use that word it was pretty magical walid merchant navy ke captain the we did a lot of traveling bahut duniya phire brothers 8 years ye kitna mazedar hai waise na ye career kyunki isme jab tak aap bacche school nahi jate tab tak parents can just see the world and be with the child it was quite intense aur mera jab school shuru bhi ho gaya tha to chuttiyon mein jate the phir nahi to mujhe kafi meri ship pe schooling bhi hoti thi to mujhe yaad hai ki wo dusre afsar kabhi mujhe koi math ko padha raha hota tha so and there at least two final exams for grades that I did not give so wahi hua I mean we did a lot of sailing I think छठी जमात का final exam नहीं दिया था एक दो final exams नहीं दिए थे तो वो काफ़ी मेरे लिए intense चक्कर था कि wow how am I going to go to the next class without exams my parents told me no you'll have to this is going to happen later you'll have to do extra tests so I learned how to catch up but the enjoyment was कि I was watching storms and fishes and oceans and new countries so it was a weird feeling of separation at that age कि दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन मैं घूम रहा हूँ हाँ। तो ये एक दो दफ़ा काफ़ी और उस एज में तो एक महीना दो महीना चार महीना आपको वास्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है यू नो सो आई रिमेंबर जस्ट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम द कपल क्या करते क्या थे क्या डेक पे खड़े होके ख्वाब देखते थे नहीं या इमेजिन करते थे वो भी हुआ बट लाइक बेसिकली पता नहीं मैंने समुंदर में कितने पेपर प्लेन्स फेंके हैं सॉरी आई मीन दैट्स नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ बट जहाज बड़े उड़ाए My father used to give me this hammer and send me off to chip. Some of the ships were older, so I had to. I once chipped the whole starboard side of a ship. It's like some because it was scrap hona tha jahaz. So ajeeb ajeeb duties hoti hain. Kabhi cadet ke saath bhej diya ki bhai engine room le jao. Ek bahri jahaz ek bahut vast cheez hai. Kabhi main usme I would climb down the hatch. I would not tell my parents. So naturally, didn't you want to be a captain or an engineer? I did want to be a captain. Or make build ships, kuch is tarah ka nahi sochte the baith ke. Haan, the thing is, my parents were so lovely at encouraging me at everything. To bahut arse to kuch samajh nahi aata tha ki koi ek cheez kya karni hai. Wo drawing bhi ho gayi thi, piano bhi bajana shuru kar diya tha, ship pe ghoom rahe hain. So I just became a weird kind of learning child, you know. And I would just, when I would think about my career, I would just go off into a dream. That maybe this or maybe that, so I would always had a problem of inundation, you know. कि इतने ज़्यादा को मैं contain करके कैसे लाऊँ? तो बचपन में आप भी सोचते हैं pilot तो अच्छा ये अच्छा है लेकिन ये क्यों है? You know so या engineer में ये बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन फिर ये क्यों है? तो I used to criticize the potential profession also. I used to imagine it as a young person, and I think I wanted to do more. तो मुझे तो लगता है काफी नॉन कमिटल था तो मेरा मोर क्या था बस मुझे लगता था कि फंस क्यों जाए बंदा जब हर चीज करने में मजा आ रहा है अगर आप जेट स्की चला रहे हैं उसमें मजा आ रहा है जहाज में घूमने में मजा आ रहा है तो आई थिंक आई वांटेड मोर मे बी आई एक्सपीरियंस मोर एज अ चाइल्ड एंड इट पुट इट इन मी दैट आप जिंदगी में बहुत चीजें कर सकते हैं फिर मुझे कोई एक लव्स आई थिंक मैथ की क्लास में पता लग गया था पॉलीमथ फिर हमने
हिस्ट्री में अलामा इकबाल का भी हम सुना, पोएट, फिलोसोफर, ये जब मैंने 5-6 डिस्क्रिप्शन प्रोफेशन के सुने तो आई फेल्ट वेरी कम्फर्टेबल. आई वाज लाइक ये होता है, यू नो, इनफैक्ट ये होना चाहिए. तो वो 5 क्या सोचे थे? सोचे नहीं थे उस वक्त, बट एटलीस्ट आई न्यू के मुझे ड्राइंग का शौक है. आई वांटेड टू आस्क यू बिकॉज़ अगर शिप पे आप हैं, सो देन यू आर, यू नो, देयर इज सो मच टाइम. आई डिड अ लॉट, आई ड्रू अ लॉट, आई पुट मैसेजेस इन बॉटल्स एंड थ्रू देम आई ट्राइड टू कैच फिश, आई नेवर कॉट फिश. आई यूज टू जस्ट स्टैंड एंड जस्ट लुक बिकॉज एवरी डे द ओशन इज डिफरेंट. अब फिल्में आ गई तो हम सारी फिल्मों के एग्जाम्पल देते हैं, वो लाइफ ऑफ पाई की तरह कभी तूफान देख रहे हैं, सो फैसिनेटिंग. एवरी डे द ओशन इज डिफरेंट. Watching my mom get seasick, and of course being so proud watching your father in uniform, so it was quite magical. I was quite proud. I felt quite. Did you write a diary? No, later I wrote a diary. At that point when my father was sailing, there was a master key, so I was like, मैंने कहा master key कैसे सारे दरवाजे खुल जाते हैं. I just take the master key from my father and just start walking around the ship, opening doors and closing them. So it just gave me a big place. It was a huge place to explore. So itni sari freedom ke baad. Itni zyada freedom. Ye to amazing freedom hai ye. Because haan, I know the shape. Ek I know giant it. Refrigerator mein aap chale jaye, log dekh rahe hain ki apne aap ko andar nahi band kar dena. To main refrigerator mein ghoom raha hu. Ghost rakha hua hai, shrimps hain. Like you watching so many people do things, activities, night duty, that it's just, it was quite, now I look at it, that's where all the cinematic stuff. Where would you like from. To go again? For all those countries you Japan, visited. Japan, Japan. Really? It's really pending Japan. Japan mein kya tha jo bahut acha laga? Japan mein kuch badi wo magical trip thi of all the trips. I think 89 mein hum gaye the Japan aur America bhi gaye the. Phir main, khair anyway, so I was 11 when I went to Japan and I was blown away in a huge way. I don't know why or how. Us waqt ki baat thi, hum Tokyo aur Osaka gaye the. और वो अजीब टैक्सी वालों ने ग्लव्स पहने हुए थे, वो ग्लव्स से आपको पैसे दे रहे हैं. मैंने कहा उन्होंने ग्लव्स क्यों पहने हैं. हर चीज़ इतनी साफ थी. आई वाज लाइक व्हाट्स हैपनिंग. द पीपल वर सो लविंग, द टॉयज वर क्रेजी. सो जापान वाज जस्ट वन हाई आफ्टर द अदर फॉर मी. एंड ऑल्सो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून्स एंड एनिमेटेड कार्टून्स. सो जापानीज कार्टून्स काइंड ऑफ ग्रैब्ड मी वेरी अर्ली. अगर आपको याद होगा डिज्नी थोड़ा सा सेफ, हालांकि डिज्नी भी बहुत डार्क था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जापान का मुझे एकदम बड़ा एक वाइब्रेंट फीलिंग, बड़ी खतरनाक. उनकी लाइंस फर्क है ना, जब लाइंस फर्क है, बहुत फर्क है. हाँ, तो देयर वाज द वे दे ड्रॉ, द वे दे, या आई वाज वेरी वेरी टेकन बाय जापान. वी वेंट टू अ कपल ऑफ ओल्ड वुडन कैसल्स ओवर देयर ऑल्सो. आई जस्ट रिमेंबर कमिंग फ्रॉम जापान एंड फीलिंग जस्ट very fascinated. I think the Japanese just left a very good impression on me. I was mujhe bada maza aaya. Mujhe samajh nahi aata tha ki main kya banna chahta hu aage. Mujhe pehle to kuch astronaut banne ka shauk tha, to kisi ne bola space program nahi hai. Acha to main pooch rahi thi ki itne sari freedom ke baad jab pehla din school ka tha, wo kaisa tha? वही अब मेरे बारे में कंफ्यूजिंग चीज़ यही है कि मैं फिर स्कूल जाता था तो मैं स्कूल का हो जाता था. तो मतलब आई कुड कमिट ईजिली. एंड यू कैन डू दैट इन योर एंटायर लाइफ, जहाँ हो, जिस वक्त में हो, जिस मोमेंट में हो, आई थिंक सो. लेकिन बड़े होके फिर आप अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं. आप कहते हैं अगर मुझे आता है एडजस्ट करना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर दफ़ा कर लूँ, बिकॉज आपको बाद में ज़िंदगी में अंदाज़ा होता है दैट टाइम इज़ फाइनाइट. टैंटम्स थ्रो करते थे? I don't, well, I'm sure other people thought they were tantrums, but for me it was always coming from an important place. I mean, that's my justification. Agar kabhi kuch maine incident kiya hai to wajah maine zarur di hai. Fazool mein mujhe kabhi shauk nahi tha school mein bhi phansne ka. Wajah ke saath main kisi cheez pe bol sakta hu ki aisa kyun ho raha hai. So I don't remember there being to, tantrums. To ammi aur abbu mein patience thi ki wo wajah sune? Nahin, main bachpan, I was a good kid. I would not tantrums as a child. Acha. Haan, they used to tell me. To ye kab shuru hua tha phir? Zid karna aur tantrum throw karna aur phir wajah. That's a big jump you're, that's a big leap you're taking, but that's a good leap. As a teenage? No. As a teenager, aapke andar ye cheez develop hui ki maine baat banwani hai? Nahi, I think I was lucky. Balki as you said, jagah banani hai. No, I was lucky. I got to observe. I was an observing child. Two of my mamos were painters. I used to draw. Drawing taught me to watch things very carefully.
इट्स अ वेयर्ड थिंग इफ यू बैठ के आप एक दफ़ा पूरी चीज़ स्केच करते हैं. आई वाज वेरी डिटेल ओरिएंटेड किड एंड आई वुडंट गेट इनटू टू मच ट्रबल. पढ़ाई में मैं अच्छा था. तो और फिर क्या पढ़ा? बस स्कूल में सब कुछ पढ़ा. ओ लेवल्स तक प्योर साइंस पढ़ी. ओ लेवल्स तक. अच्छा, मुझे लग नहीं रहा. नहीं कि ये जो बच्चा जो इतना कुछ देख रहा है उसका इतना विजुअल एक्सपीरियंस है और वो ड्रॉ भी करता है कि वो साइंस पढ़ेगा. साइंस में कैसे चले गए? मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ आगे. मुझे पहले तो कुछ एस्ट्रोनॉट बनने का शौक था, तो किसी ने बोला स्पेस प्रोग्राम नहीं है. फिर लोगों ने डॉक्टर बन जाओ. जब पहली दफ़ा बायोलॉजी पढ़ी तो मैं बहुत फैसिनेटेड हुआ बायोलॉजी से, फिजिक्स दोनों से. आई थिंक बिकॉज फर्स्ट टाइम यू गेट माइक्रोस्कोपिक विद एवरीथिंग. So my world blew up, you know, when you saw the cell with the microscope. So the curiosity would suddenly grab me, you know. So as soon as I saw science, I was like, maybe I'm a scientist. But I did love science fiction for a long time, growing up also. Mujhe bahut shauk tha space. Kya dhoond rahe the? Haan, mujhe nahi pata. I think just pushing boundaries, pushing. Like, I remember this about me. I told my parents once on the ship ke main hatch mein niche utar gaya. Wo 40-50 फुट का हैच होता है जब वो खाली होता है. तो मैंने कोई अजीब काफ़ी ख़तरनाक चीज़ खुद से कर ली थी. मैं 10 साल का हूँगा. सो आई डोंट थिंक एनीबडी बिलीव मी. फिर एक दफ़ा मैंने पताया बीच पे जेट स्की लेके मैंने उनसे पूछा था कि इसमें कितनी देर का फ्यूल है. उसने कहा था घंटे का है. तो जहाँ भी जाओगे आधे घंटे के लिए जा सकते हो और वापस आना. सो आई जस्ट रोड ऑफ फ्रॉम पताया बीच. दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट डेंजरस थिंग आई हैव डन एज अ चाइल्ड. रोड ऑफ टू एन एयरक्राफ्ट कैरियर दैट वॉज एंकरेज पे था वहाँ पे, क्योंकि वो इतना बड़ा होता है. सो माय फादर वाज अ कैप्टन. शिप इज स्टिल दिस बिग. एन एयरक्राफ्ट कैरियर इज ह्यूज. सो आई वांटेड टू गेट क्लोजर टू द एयरक्राफ्ट कैरियर. सो आई वुड डू आई डिड दिस एंड आई एक्चुअली वेंट फ्रॉम पताया बीच इन टू सच सो डीप एन ओशन दैट ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर अ जेट स्की. एंड देन आई रियलाइज दैट द एयरक्राफ्ट कैरियर इज स्टिल नॉट दैट नियर मी. सो इट इस तरह की मैंने डेंजरस चीज़ें. डिड यू फ्रीक आउट? I freaked out. I was wearing a life jacket, but I freaked out when I saw the waves. These are not the waves that are near the beach. So I was actually in the ocean then, and it felt very weird. But I tried to get close, and then I remember when I was going back to the beach, it was the most exciting. Probably one of the most exciting. So वापस आ गए थे? नहीं गए थे वहाँ तक? नहीं, मैं गया फिर. मैं गया वो sailors आए कोने पे. एक side पे मैं aircraft carrier के करीब. उन्होंने भी आके देखा कि ये जमाना होता तो सोचते पता नहीं कोई टेररिस्ट ही आ गया. बट आई मैनेज टू गेट क्लोज टू अ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑन ऑफ पताया बीच. दैट वाज अ वेरी लाइक एक्साइटिंग. तो और क्या क्या ऐसी चीजें की हैं? हाँ, इस तरह की चीजें की हैं. अजीब डेयरिंग, अकेले वाली डेयरिंग. फिर बाद में आर यू डेयर योरसेल्फ या किसी और के साथ होता है कि समबडी एल्स डेयर्स यू? नो, आई यूज्ड टू लाइक स्केयरिंग माय सेल्फ एज अ चाइल्ड अ लिटिल बिट. हमारी बड़ी पप्पो होती थी, वो कराची यूनिवर्सिटी के पास उनका घर होता था. बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे. तो हमारे होता है वो रात में दरख्तों के पास नहीं जाओ, जिन चढ़ जाता है. तो फिर मैं निकला था वहाँ अंधेरों में. यू फील के जिन चढ़ा हुआ है? नो नो, आई मीन काम का चढ़ा हुआ है. बट लाइक आजकल तो बहुत सारे लोगों के चढ़े हुए. नो, बट आई यूज टू फील जस्ट अ लॉट ऑफ फैसिनेशन विद थिंग्स. और क्या क्या फैसिनेट करता था? सब करता था. आर्कियोलॉजी करती थी, साइकिलिंग करती थी, अजीब गलियों में निकल गए, अजीब नई जगह देखने में. मुझे द फीलिंग ऑफ न्यूनेस व्हेन यू वॉक इनटू अ प्लेस यू हैव नॉट सीन बिफोर, इट्स इंटेंस. तो ये कब तक चला ये? अभी तक है. ये अभी तक? यू आर ऑलवेज इंट्रीग्ड? आई एम इंट्रीग्ड, या. सो यू गो बियॉन्ड? आई ट्राई टू. सो हैव यू एवर टॉक टू योरसेल्फ कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? दीवार के उस तरफ जो शौक है देखने का, तो बिल्कुल क्या सोचते हो कि दीवार के उस तरफ क्या है? आई मीन इट्स प्रॉब्ली अ क्वेस्ट फॉर विजडम इन द एंड. बट किताबें क्या खरीदते थे अपने लिए? आई एम रियली इंट्रीग्ड नाउ. ओके, सो आई मीन बुक्स भी तो होंगी ना फिर? बुक्स थी बिल्कुल. बट आई थिंक आई वॉज अ लेट रीडर. I was a late reader. What really got me, when people in my school were reading kind of Hardy Boys and Enid Blyton and what else? I mean, जो regular literature था वो एकदम से David Copperfield type अंग्रेजी literature, वो तो मैं भाग जाता था उससे ज़रा, because it felt like work, you know. But then I got into the three investigators. They were sort of the counter to Hardy Boys. They used to solve cases. That kind of picked me up. Then all of a sudden I read a couple of science fiction books very early. They gripped me. I think science fiction really gripped me. I was
I was seduced by science fiction and animated cartoons as a child, which sort of broadened my scope, I think. तो फिर sci-fi में एक किताब पढ़ी ड्यून, कुछ ज़्यादा ही जल्दी पढ़ ली ज़िंदगी में. उसकी छः सीरीज़ हैं उस किताब की, थ्री. सो यू नो इट, आई लाइक्ड फैंटसी एंड आई लाइक्ड यू नो सॉर्ट ऑफ दिस फ्यूचरिस्टिक स्टफ. सो या आई वाज क्यूरियस. हिस्ट्री आई वाज नॉट टू क्यूरियस फर्स्ट. अच्छा. बट फिर मुझे बाद में हिस्ट्री की कदर हुई कि वो भी ज़रूरी है. तो पहले बस फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, साइंस साइंस एंड सॉल्व समथिंग एंड फाइंड आउट. दिस वाज सॉर्ट ऑफ. अच्छा, भाई पैदा हुआ व्हेन यू वर 8? या या. क्या किया था? आई रिमेंबर स्टिल, इट वाज अ वेरी वियर्ड मोमेंट. मुझे बताया, किसने बताया था मुझे, अम्मी तो नजर नहीं आई थी इन द एंड, शी वाज इन द हॉस्पिटल. बट ऑल ऑफ अ सडन समबडी टोल्ड मी, आई थिंक इट वाज माय डैड, इज लाइक अम्मी से मिलने जा रहे हैं. मैंने कहा वो ग्रेट, भाई हुआ है. मैंने कहा वो ग्रेट. सो आई वेंट एंड आई रिमेंबर दैट फर्स्ट टाइम आई मेट माई मदर फ्रॉम द विंडो. आई थिंक, आई डोंट नो, आई हैव दिस मेमरी ऑफ सीइंग माई मम फ्रॉम द विंडो, knowing ke the pregnancy is done, but I was 8, so it's very visceral. I just kind of knew ke bhai kahan hai. Fir bhai ekdam se jab haath mein aaya to it was crazy feeling. I really enjoyed my brother's birth. I really think and I mean till he started grabbing my toys, that's much later. Wo to hota hai. The toys kya hote the? Action figures, cars, some remote control cars. My parents had a very good system कि पढ़ाई करो तो ये टॉय ले लो. एक बड़ा अच्छा उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था. इट वॉज नेवर टू मच, बट इट वॉज इनफ दैट आई न्यू दैट इफ आई स्टे ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, इफ आई जस्ट रिस्पेक्ट माई स्कूलिंग, आई विल मेक माई लाइफ ईजियर. दिस वॉज वाई आई डिडंट रिबेल एज अ चाइल्ड, बिकॉज इट वॉज ईजियर. आई कुड गेट माई वे एंड स्कूल वुड बी हैप्पी, माई पेरेंट्स वुड बी हैप्पी. So it just made more sense. So kabhi mujhe shararat karne ka dil chahta tha to maybe I wanted to be naughty, but I didn't want the extra trouble that comes with it. I don't know, it's a weird combination, right? So you had that kind of an understanding. I did. Okay, that you talk to yourself. I did have that understanding. That's amazing. I did have. I think that's all to do with maybe a lot of people talking to me and spending time with me as a child. Mm. Very varied people. Wo mujhe jaldi pata lag gaya tha ki फंसे क्यों उतने आराम से, फंसने की क्या जरूरत है. आई थिंक दैट केम बिकॉज यू वर देयर इन द ऑन द शिप, और कितने सारे डिफरेंट लोग बात करते हैं ना बच्चे से. यही हुआ, बिकॉज यू वर द ओनली बेबी, योर ओनली चाइल्ड ऑन द शिप, एंड इवन द फैमिली आल्सो. आई जस्ट माय दादी पास्ड अवे वेरी अर्ली, आई थिंक आई वाज ओनली 1, सो आई वाज क्लोजर टू माय नाना लेटर. माय मम्स मम हैड पास्ड अवे अर्ली, सो माय ग्रैंड पेरेंट्स, आई स्पेंड अ लॉट टाइम विद माय नाना. सो माशाल्लाह, आई मीन आई फील कि मुझे बहुत अलग अलग लोगों ने बहुत टाइम दिया बचपन में. बात की है, दे हैव टॉक टू यू, दे हैव टॉक टू मी, यू नो दे हैव शोड मी लीव्स, एंड माय मामू यूज्ड टू शो मी कि दरख्त में कितने कलर्स हैं. मैंने कहा क्या हरा हरा है, कहते नहीं सिर्फ हरा नहीं है, स्क्विड करके देखो. तो वो हर इंसान, मैं एंथुजियास्टिक बच्चा था तो सब मुझे दिखाने लगते थे चीज़ें. सवाल करते थे? नहीं, ज़्यादा नहीं सवाल नहीं करते. आई डोंट थिंक, आई मीन करता हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं. आई डोंट रिमेंबर बीइंग, आई डोंट रिमेंबर आस्किंग देम इन एन अनोइंग वे, आई थिंक, बट आई रिमेंबर पीपल टेलिंग मी थिंग्स. सो करता हूँ सवाल. लेकिन अच्छा बच्चा था बेसिकली, अगर सबसे बेसिक चीज ये है कि अच्छा बच्चा था. बेसिकली ऑल ऑफ द मैजिक एक्सप्लोडेड in something that felt very 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 traumatic. Bhai se close ho? Bahut. Bhai se close ho. Dost ho? Haan ho, matlab, but like there was a lot of lade bhi ho usse? Nahi, bhai chote moti ladaiyan hui hain, but you know, we've had a very incredible relationship, me and my brother, because our father passed away. So I mean, I've talked about this in some of my interviews. I've never dwelled on it too heavily, where we end up taking all your show's time. But that was the big, 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 like, kya umar thi, sir? Tragic event in our family. How old were you? I was only 16. My father was 47. My mom was 36. My brother was 8. That's very young. So
so basically all of the magic exploded in something that felt very, very, very traumatic. So this is the big shift in life. So that time my relationship to my family then changed, and relation to my brother also changed, because I obviously saw my mother so destroyed, and we were all destroyed for a bit. Ab mera us waqt A levels shuru hua tha. To maine O levels mein science padhi, mujhe laga main science dan banne ja raha hu. Phir A levels ke pehle saal mein my father passed away. And it was a heart attack? No, it was a brain hemorrhage. He was on a voyage, it was undetected. We didn't know, as procedure for officers, then later on they conducted some examinations and we found out. But obviously it was very, very tragic. Very tragic for us. And she kind of changed how I looked at everything. Everything. So, you know. So you were actually sailing all this while, and suddenly. Yeah, I was sailing. I was a good kid. I was studying. I was drawing, playing with my toys. And just, I cannot praise my childhood enough. Basically, I won't hide that. मैं लोगों को कहता हूँ तो क्या किया था फिर इस ट्रेजेडी ने हाँ तो इस ट्रेजेडी ने कन्वर्ट कर दी थी चीज़ आई रिमेंबर जस्ट फीलिंग दैट यू वॉकिंग इन टू अ नाइटमेयर फ्रॉम अ ड्रीम बेसिकली दिस इज द बेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन एंड दैट्स हाउ इट फेल्ट लाइक एट दैट टाइम यू नो तो क्या बहुत गुस्सा आने लगा था या आई मीन गुस्सा तो आई मीन यू नॉट 16 इज सच अ वियर्ड एज लाइक यू कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड इट बट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड यू डू अंडरस्टैंड इट तो ये होती थी फीलिंग कि व्हाई मी I don't think so, not for too long. I was too shocked by the event itself to think, why me? I would think, why even my dad? Yeah. You know? Because... And why your mom? And why my mom? Why my brother? I saw him at 8. So, you know, I felt the pressure, you know? Because, mashallah, we were not super rich. We were just... how that good middle class existed once upon a time. So I was from that, you know, the middle class that if you worked hard, there was money. And so, but when my dad went, we did not have security for too long. So that there was a big pressure on me. और क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था तो जिम्मेदार हो गए एकदम से मुझे एकदम से वो फिगर आउट करना पड़ा कि मुझे लाइफ में करना क्या है so the question that I was not asking myself as a child dabbing in all these different things wo freedom chala gaya na wo freedom puri tarah to nahi gaya but us pe ekdam se ek dhuf 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 spotlights on ho gayi ki jaise ki koi finite time hai figure out karne ke liye wo mere liye bahut mushkil time tha because I was trying to grieve take care of myself my family obviously people helped a lot of people helping but I just felt that I didn't know what I wanted to be And then I was grieving my father alongside. So that's why I ended up thinking about a lot of more about different professions because I would just go deeper. From becoming somebody, ab soch rahe hoge na ki kaam kya kiya jaye? Kaam kya kiya jaye? Hoga kaise? Practicalities kya hain? Wo to doctor engineer wala zamana tha. Haan. Maine kaha wo to bhul jao. My parents have spoiled me or raised me correctly. And they gave me a TV and a VCR when I was 11 years old in my room. 14 इंच के टीवी और यू नो अंडर सुपरविजन बता दिया वीडियो रेंटल वाले को कि भाई ये सही वाली फिल्में जो भी हैं और वो बड़े ट्रस्टेड बंदे होते थे तो मैं उनको कहता था साईफाई देखनी सो यू नो इट वाज इंपॉर्टेंट टू मी टू फाइंड आउट व्हाट आई वांट टू डू बट आई हैड नो आइडिया व्हाट आई वांट टू डू इट एक्चुअली टुक मी 7 years फ्रॉम माई फादर्स पासिंग टू फिगर आउट फाइनली व्हाट आई वांटेड टू डू लॉट ऑफ figuring stuff out. I think I found the person I want to stay in my life. That's a very big notion. I had almost had a bike accident, which was kind of near, I felt near death.